आजमगढ़ में अनिदेशकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से सचिव को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को लेकर शीघ्र निस्तारण करने का अनुरोध किया। नया मानदेय भुगतान किए जाने समेत कई समस्याओं को लेकर पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर विरोध जताया। अनुदेशकों ने शिक्षा मंत्री व सचिव को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में मानदेय के साथ प्रतिवर्ष नवीनीकरण के नाम पर विद्यालय स्तर से लेकर जनपद पर हो रहे शोषण को समाप्त करने की अपील की। वर्ष नवीनीकरण के नाम पर स्कूल स्तर से लेकर जनपद स्तर पर हो रहे शोषण को समाप्त कर स्वतः नवीनीकरण किए जाने, महिला अनुदेशकों को विवाह के बाद ससुराल के समीप स्कूल दिए जाने, दुर्घटना एवं कम मानदेय की वजह से आत्महत्या करने वाले अनुदेशकों के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग शामिल है। अनुदेशकों का कहना है कि समस्याओं के संबंध में विगत माह पहले उप मुख्यमंत्री जी से निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया था, परंतु अभी तक कोई हल नहीं निकला। हम लोग ये किए हैं, हमारा जो 17,000 केंद्र सरकार के द्वारा हमारा अप्रूवल हुआ था देने के लिए राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार उन मांगों को नहीं मानी और वो 9,800 बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल जी ने उसे कर रही हैं और सरकार कर रही है उस चीज़ को, और हमें देने के लिए वो जियो 15 सितंबर तक जारी करने के लिए बोली हैं कि जियो भी जारी हो जाएगा। इसी विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं इसी के लिए कि नहीं, हमारी जो 17,000 केंद्र सरकार के द्वारा अप्रूवल हुआ है वो सरकार हमें दे, उसी मांग को लेकर हम लोग आज डीएम कार्यालय, बेसिक शिक्षा कार्यालय डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आज हम लोग विरोध उनका करने के लिए आज जिले पर उपस्थित हुए हैं सभी अनुदेशक। प्रदर्शन तो यहाँ से सभी जगह से मिलता रहा हम लोगों को, लेकिन अभी तक उसका हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला हम लोगों को कि नहीं कि हाँ आप लोगों को जो सम्मानजनक मानदेय देने के लिए सरकार ने कही थी और वो देने के लिए तैयार है, तो उसी के विरोध में आज हम लोग जो भी हो 16 या 17 माह से इस समय जो भी है कि 17,000 जो हुआ है सरकार हमें आश्वासन ही देती रही है, और जो भी कि शिक्षा मित्रों को जो भी 10,000 बढ़ा हुआ था और विशेष जो टीचर थे उन्हें 14,500 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन अनुदेशकों को जो जूनियर विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त हैं उन्हें नहीं दिया जा रहा है।